तो उत्तर प्रदेश से खबर जाओ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह के घर हाई लेवल बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी शामिल हुए थे। तो प्रदेश राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। तो पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा हर महीने यूपी का अब दौरा करेंगे। तो कल ये हाई लेवल मीटिंग हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इस दौरान केंद्र गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा हर महीने यूपी का दौरा करेंगे। तो प्रदेश राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है। तो कल ये हाई लेवल मीटिंग हुई, करीब दो घंटे ये बैठक चली। तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा था, इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां प्रदेश राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है। तो इस दौरान ये तय किया गया है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा हर महीने यूपी का दौरा करेंगे। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसके मद्देनजर अब पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा हर महीने यूपी का दौरा करेंगे। बेहद अहम ये मीटिंग मानी जा रही है, क्योंकि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है उसको लेकर भी यहां पर चर्चा हुई होगी। तो प्रदेश राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। इस दौरान ये तय किया गया कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा हर महीने यूपी का दौरा करेंगे। कल ये हाई लेवल मीटिंग हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की, गृह मंत्री अमित शाह से, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहे। खबर अधिक जानकारी ले लेंगे आरसी भट्ट, स्टेट एडिटर, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आरसी जी, कल ये हाई लेवल मीटिंग हुई, माना जा रहा है कि चुनावी रणनीति की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आगामी विधानसभा चुनाव है। और खास बात यह है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा अब हर महीने यूपी का दौरा करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि 2022 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अब भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से लगता है कि 2017 में जिस तरह से बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई थी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और 325 से अधिक सीटें जीती थी विधानसभा की, तो वो लक्ष्य हासिल करना इस बार भी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज हुआ। और निश्चित रूप से ये जो कल मीटिंग हुई है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, खासतौर पर हम बात करें स्वतंत्र सिंह की, खुद योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के संगठन मंत्री हैं, जो संघ से आते हैं, ये तमाम लोगों ने वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद वो अमित शाह के आवास पर जाकर वहाँ बैठक किया और पूरी तरह से जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर ही बात हुई है। खासतौर पर सरकार जो है उन कार्यक्रमों को ऐसे आगे लेकर है जो उत्तर प्रदेश में विगत साढ़े चार वर्षों से चलाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो भी उत्तर प्रदेश में काम हुए हैं उनका उद्घाटन, शिलान्यास कितनी जल्दी किया जाए और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की जो चुनावी सभाएं हैं और उसके पहले की जो सभाएं हैं बात अगर की जाए तो वो किस तरह से अरेंज की जाए और उसके साथ साथ विधान परिषद की जो चार सीटें मनोनीत होनी है राज्यपाल द्वारा, उसमें किन किन व्यक्तियों के नाम रखे जाए, क्योंकि निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उनकी भी दावेदारी है। जितिन प्रसाद जो ब्राह्मण चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको आगे किया है उत्तर प्रदेश में, उनकी भी बात चल रही है। तो ये तमाम मुद्दों पर वहाँ डिस्कशन हुआ है और इस डिस्कशन में उत्तर प्रदेश के चुनाव के मुद्दे मुख्य हैं, कारण मुख्य हैं, जागत जो आधार है उत्तर प्रदेश का वो, और इन तमाम मुद्दों पर जो है वहाँ निर्णय लिया गया है कि आगे किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से आगे कार्यक्रम चलाए जाएंगे प्रधानमंत्री के। एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, यूपी विधान परिषद में चार सीटें जो है वो रिक्त है अभी, तो क्या उम्मीदवारों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई होगी? निश्चित रूप से, मैं ये चीज बिल्कुल साफ तौर पर देख रहा हूँ, क्योंकि चार सीटें जो विधान परिषद की राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत हुई है उन सीटों को किसको लिया जाए इस पर लगातार मंथन हो रहा है। और पहले भी मैंने ये बात कही कि जितिन प्रसाद और संजय निषाद की दोनों दावेदारी है, इस पर कुछ तेज फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आगे करना चाहते हैं जो आने वाले दिनों में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो उसके पहले जो है उस रणनीति के साथ ऐसे व्यक्तियों को आगे किया जाए जिससे वो चुनावी फायदा उनको मिल सके। जी, चलिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए।